मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। बाबा भवनाथ की नगरी में अपने बचपन के रंग बिरंगी मस्ती करते, अम्मा की गोदी में अठखेलियां करके, पिता के कंधों पर बैठकर नगर घूमने निकल पड़ता था। इन यादों को लेकर हर बार जीवंत करने के उद्देश्य से भोरासा नगर में आते रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा निराश्रित महिलाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं, जिससे वे अपने परिवार के पालन पोषण कर सके। इसी तारतम्य में नगर भोरासा में पूर्व कैबिनेट मंत्री सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुख्य आतिथ्य में नगर के बीचों बीच ओदुम्बर समाज धर्मशाला में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर की 5 जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार हेतु सिलाई मशीन भेंट की गई। कोरोना काल में नगर में अपनी विशिष्ट सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें नगर के सभी विभागों का सम्मान हुआ, जिसमें नगर के वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम जी नागर नाना गुरु के साथ पत्रकारों का विशिष्ट सम्मान हुआ। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के साथ नगर परिषद के सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का विशेष सम्मान और विद्युत विभाग के कर्मचारियों का सम्मान रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सज्जन सिंह वर्मा ने सभी का मोतियों की माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मान किया। संवाददाता नन्नू पटेल की रिपोर्ट। आज भोरासा नगर में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, हमारे प्रवक्ता, विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख सलाहकार, मध्य प्रदेश के प्रमोद द्विवेदी जी के नेतृत्व में हमने आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया, साथ में उन जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें भेंट की जिन्हें वास्तव में आवश्यकता थी, ताकि वो सिलाई मशीन के जरिए अपने परिवार को पाल पोस सके। कोरोना वॉरियर्स को आज हमने याद किया। इस देश में कोरोना के संक्रमण से कम 35-40 लाख लोग मरे हैं, जो बाहर की न्यूज की खबरें आ रही हैं अखबारों की, इतने लाख लोग मरे हैं। हमने आज उन लोगों को याद किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, कि उनकी वजह से, उनके बलिदान से आज हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स भी ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों के बीच में जाके सेवाएं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे लोगों का सम्मान करके हम गर्व का अनुभव करते हैं, और ये हौसला बढ़ाया जाना चाहिए इस समय उन लोगों का जो अपनी जान की परवाह किए बिना समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो आज जो बन पड़ा प्रमोद द्विवेदी की माता श्री के याद में, आज तमाम सारे लोगों को सम्मानित किया, जरूरतमंदों को सिलाई मशीन दी, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे।